साउंड चेक। तो एक हफ्ते तक बीमार रहने के बाद दी सिंह वापस आ गया और हफ्ते पर वीडियो अपलोड करी नहीं, इसीलिए चैनल का रीच इतना नीचे गिर गया कि क्या ही बताऊं। बट नेवर माइंड, अब हम आ गए अपने फेवरेट टॉपिक को लेकर। यार पहले मुझे लगता था कि बायो में फूडी लिखने से बहुत ही कूल लगता है, पर जब मैंने इन यूट्यूब के फूडीज को देखा। हेलो गाइस, आई एम बैक। So, आज मैं खाने वाली हूँ awesome फूड। उससे मेरा क्या फायदा? यार मैडी के बारे में तो हर कोई पहले से जानता ही है कि वो हर जिंदा चीज को खाने की क्षमता रखती है। यार मैडी पहली ऐसी एक लड़की होगी जिसका डाइटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं है। आज का मील बहुत बड़ा है गाइस। यार आजकल की जवान जनरेशन चाहती है कि हमारे सिक्स पैक एब्स फिगर हो, पर मैडी इन सारे मोह माया से दूर अपने आप को बिरयानी खाने में बिजी रखती है। यम्मी यम्मी बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एग बिरयानी, खा के सांड जैसा हो गया। एक आम इंसान दिन में 3 टाइम खाना खाता है, पर मैडी हफ्ते भर का खाना एक दिन में खा जाती है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। और यार मेरे हिसाब से तो मैडी के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि इतना सारा खाना जाता कहाँ है, क्योंकि मैडम का वेट जितना पहले था उतना अभी भी है। मैं खाने वाली हूँ चिकन मंडी बिरयानी। वैसे मुझे पता है कि इन सो कॉल्ड मकबैंगर्स का खाना जाता कहाँ पे है, पर मैडी के खिलाफ मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए आई विल नॉट से एनीथिंग। चलो चलो चलो। यार तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम सारे मेरी वीडियोस देखते हो एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए, एंजॉय करने के लिए, हंसने के लिए। अच्छा, पर ये मैडी के सब्सक्राइबर्स इसकी वीडियो क्यों देखते होंगे? अच्छा मैडी अब खाना खाएगी, अच्छा ऐसे मुंह खोलना है और ऐसे चबाना है, ठीक है ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास चम्मच ना हो तो ऐसे मुट्ठी में भर के खाना खाना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा है मैं अंधा हूं। यार मैडी पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है मैंने, क्योंकि यही तुमको देखना पसंद है और जो तुम लोग बोलोगे अपन वही बनाएगा। तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। तो मैडी की हर वीडियो 12 मिनट तक की होती है और उस 12 मिनट में हेलो गाइस आई एम बैक ये वर्ड के अलावा मैडम कुछ भी नहीं बोलती, फिर भी लोग मैडी को इतना प्यार देते हैं कि माने रोज पता नहीं कितनी मेहनत करती है दीदी। अबे ओ नौटंकी, यार मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर ये खाने को खाना तुम्हारा टैलेंट है तो इसको अच्छे से ऑडियंस के पास आने दो ना। यार एक बार लाइव स्ट्रीम करो और उसमें ये सारा खाना खा के दिखाओ, तब तो मालूम है कि तुम बहुत बड़ी मकबैंगर हो। यार एक मिनट को ना खली भी अपना मुंह बना लेगा इतना सारा खाना देख के, 8-9 रोटियों से ऊपर तो वो भी नहीं खाता होगा। गोल गप्पे खाइए आप, चाय पी लो। 2 साल से यूट्यूब में लगातार काम कर करके भले मैं फेमस ना हुआ हूँ, अच्छा लेकिन हमको इतना तो पता चल चुका है कि YouTube एक एल्गोरिथम से चलता है, ना कि कोई बंदा बैठा और वो तुम्हारे हार्ड वर्क और टैलेंट को देख के तुमको व्यूज दे रहा है। मैडी ने अपना मकबैंग चैनल तब खोला जब कोई भी ये चीज नहीं कर रहा था इंडिया में और कंपटीशन ना के बराबर था, पर अब तो हम इंडियंस मकबैंग के नाम पे सब कुछ खाई जा रहे हैं। जो बंदा मकबैंग में फेमस हो गया ना, उसके लिए यूट्यूब में पैसा कमाना उतना ही आसान है जितना टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अरे ट्राई करके देख लो भाई, हवा चल रही है, बारिश गिर रही है, मजा आ रहा है। काश तुम्हारी वीडियोस को देख के भी हमें मजा आ पाता। यार मैडी वो लड़की है जो अपने मेन चैनल पे तो खाना खाती है पर व्लॉगिंग चैनल में भी सिर्फ खाना ही खाती है। आसान है ना यार, YouTube पे सबसे इजी तरीका है ये पैसे कमाने का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यार मैंने ना हर्ष पनीवाल का एक इंटरव्यू सुना था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि एक वीडियो बनाने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 2-3 दिन शूट पे लग जाते हैं और 2-3 दिन वीडियो को एडिट करने में लग जाते हैं, पर मैडी का कितना सही है ना, खाना पकाओ, खाना खाओ और उसको अपलोड कर दो। हेलो गाइस आई एम बैक, हेलो गाइस आई एम बैक, हेलो गाइस आई एम बैक, हेलो गाइस आई एम बैक। अरे ए मारो इसको। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं और अब से वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आने वाली हैं, तो सपोर्ट जरूर बना के रखना। और जिसको मेरी शॉर्ट वीडियोस देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके उस पर क्लिक करना और मेरी सारी शॉर्ट वीडियोस देख डालना। चलो हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट एंड टेक केयर एंड लव यू एंड गुड नाइट। मैं डूब रहा था मुझको उड़ना हाय, पास आ तू मुझको दे हाय फाय, हर सपना मेरा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है, बात मुझको किसने नहीं क्यों बताई।